सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको। पिछले दिनों अंधेरी पूर्व के हॉलीडे इन में यूनिवो यूनिवर्स ऑफ मॉम्स द्वारा रंगोली का शानदार समारोह संपन्न हुआ, जहां यूनिवो के साथ पूरे विश्व के 3.5 लाख से ज्यादा माताएं जुड़ी हैं। वो फेसबुक की सीईओ शेरिल सैंडबर्ग ने इसे काफी सराहा है। इस संस्था के फाउंडर नेहा करे कानापार को वॉलंटियरिटी एडमिन फेसबुक CLC का मुंबई एवं अहमदाबाद के लिए बनाया गया। इसका आयोजन कम्युनिटी हेड कोमल करे जोशी, सिग्धा करे शर्मा, जुई शाह, नम्रता शर्मा, देविशा शाह जटापिया, पूनम पंडित तुर्किया, शोभा पाउजा गंजर, इन तमाम प्रेसिडेंट ने किया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन सिमरन डेनिस आहूजा एवं शीला नवलेखा द्वारा बखूबी निभाया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। विभिन्न क्षेत्रों से उल्लेखनीय लोग जैसे मानसी पारे गोई, संदीप सोपारकर, डॉक्टर स्वाति पोपटवत्स, अंजू किश, सोनाली कुलश्राफ, डॉक्टर जीनल उनाडकर, जेनेबिया खोड़ाजी, रूपाली अरोरा, नालिनी खेर, डॉक्टर अनीता सोनी, योग ऋषि स्वामी करमप्रीत जी, डॉक्टर मंजूषा कदम, अर्चना कोचर, नम्रता ठक्कर एवं रेडियो सिटी की आरजे अर्चना पनिया जैसे कई और लोग उपस्थित रहे। अवार्ड कैटेगरी इस प्रकार थी। राइजिंग स्टार कम्युनिटी ब्रिज बिल्डर्स, टैलेंट बार एक्सीलेंस हस्तलर्स, बिजनेस वीमेन अनसंग हीरोज एवं 30 अंडर 50 अवार्ड्स के विभिन्न रंगों में दिया गया। रंगोली अवार्ड का उद्देश्य एक साधारण महिला की असाधारण कहानी को पुरस्कृत करता है। इस पूरे कार्यक्रम को टाटा संपन्न द्वारा पावर किया गया। मॉम्स को टाटा संपन्न के प्रोडक्ट से भरा पूरी बैग प्रदान कर दिया गया। साथ ही टाटा रंगोली के टाइटल स्पॉन्सर्स भी थे।
a universe of moms with more than 300,000 different moms across the world. I'm Ruby Machra. I've been with Momo since the first day of its inception. Today I've moved to a place of vice president. I'm here today for the Rangoli 4.0 Awards, which felicitates the girl next door for the extraordinary achievements. Unimo ek dil ke bahut kareeb hai. Pehle din se Unimo ke saath hu. Aaj 5 saal ho gaye hain ki Unimo hai. Isne duniya ki har aurat ko एक प्लेटफॉर्म दिया है, उनको साथ में लाया है. यूनिमो के बारे में कुछ भी कहो वो कम ही होगा. वक्त मिलता किसी को भी नहीं है, आज सबको पता है. आज वक्त निकालना पड़ता है. जो भी चीज़ें तुम्हारे दिल के करीब होती है, तुम अपने आप को एक पैशन हो जाता है, तुम ऐसे वर्कआउट कर लेते हो, ऐसे अपनी लाइफ बैलेंस करते हो कि हर चीज़ को अपनी जगह मिल जाती है. नेहा एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत क्लोज है, और इतने सालों में वो एक फैमिली बन चुकी है. उसने सबके लिए इतना किया है, जो कोई भी उसके बारे में बोले वो कम ही पड़ेगा. हेलो, माय नेम इज़ नेहा करेकानाबार. आई एम द फाउंडर ऑफ यूनिमो यूनिवर्स ऑफ मॉम्स. और थैंक यू कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आए. आज सारे लोग जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं, ये अवार्ड हो रहा है रंगोली 2019, और ये हमारा सीज़न 4 है इस अवार्ड का, जहाँ का थीम टोटली डिफरेंट है. जनरली आपने देखा होगा कि जो फेमस महिलाएँ होती हैं उन्हें तो बहुत सारे स्टेज मिलते हैं, लेकिन जो महिलाएँ ऑर्डिनरी वुमेन होती हैं विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज, उनके लिए कोई मंच नहीं होता. यूनिमो यूनिवर्स ऑफ मॉम्स जो फेसबुक पर सबसे बड़ी कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें 3.25 लाख मदर्स हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन औरतों को स्पॉटलाइट दिया जाए जो डिज़र्व करती हैं कि अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज़ को ज़माने के साथ शेयर करें. और आज के इस अवार्ड के द्वारा हम लोग यही करना चाह रहे हैं. और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सारे सेलिब्रिटीज़ को जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत किया, क्योंकि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आज वो यहाँ पर आए और इन सब महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं. एंड थैंक्स टू ऑल द मीडिया चैनल्स हु आर कवरिंग अस टुडे. यू गाइस आर अमेजिंग. और आपके इसी कवरेज के द्वारा हम लोग और ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़कियों को आपके सामने ला पाएंगे और इनकी स्टोरीज़ को दुनिया के सामने शेयर कर पाएंगे. सो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. मैरिड नहीं, हम लोग सिर्फ मदर्स को कम्युनिटी में आने देते हैं. हमारे आज के डेट में 21 चैप्टर है, मतलब दुनिया के हर कोने में हमारा चैप्टर है. मुंबई में मोमो मुंबई मॉम्स से, इनमो में इंदौर मॉम्स से, लंदन में लंदन मॉम्स के नाम से. और सही कहीं ना कहीं क्यों एक मदर का ही ग्रुप बनाया है, क्योंकि हमारा टैगलाइन है एक ब्रेक तो बनता है. यानी अगर मदर्स, जब कोई माँ बनती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है. वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने इकोसिस्टम के लिए काम करने लगती है, और इस समय वो कहीं ना कहीं खुद को खोती जाती है. हम इस कम्युनिटी के माध्यम से कहते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने लिए टाइम निकालिए, टेक आउट सम मी टाइम. और ये एक हैप्पी मॉम प्रोजेक्ट है. जब भी मदर्स इस तरह के प्रोग्राम्स में आती हैं, वो जब घर जाती हैं तो दे गो बैक मोर हैप्पी एंड मोर रिजुनुएटेड. कई मदर्स हैं जिन्होंने PPDs में सफ़र करती है, उनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं. बहुत सारी ऐसी मदर्स भी हमारे साथ जो सिंगल मॉम्स हैं. इस कम्युनिटी के थ्रू इन्हें एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है और कम्युनिटी एक दूसरे को प्रोत्साहित करती है. तो ये आइडिया माओं को माओं से जोड़ने का है और एक हैप्पी मॉम प्रोजेक्ट का है. तो ये एकदम फ्री कम्युनिटी है, इसमें ज्वाइन करने के लिए कोई फ़ी नहीं लगती, इसमें आपको कोई कंपलसरी पैसे नहीं देना पड़ता. ये एक फेसबुक कम्युनिटी है, जिसे आप अपने चैप्टर के नाम से, यानी हमारा पेज का नाम है यूनिमो यूनिवर्स ऑफ मॉम्स, वहाँ जाके आप अपना सिटी ढूंढ सकते हैं. गुजरात के लिए गुजमो ढूंढ सकते हैं, मुंबई के लिए मोमो ढूंढ सकते हैं, और अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. अगर आप एक मदर हैं और उसी शहर की हैं तो आपको हम उसमें ऐड करते हैं. हम लोगों को कैसे रीच करते हैं, ये पूरा ऑर्गेनिक है. हम लोग कभी भी कोई भी तरह की एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं. हम कभी भी अपने जो नोबल कॉज होते हैं, सोशल कॉज, उसको हाईलाइट नहीं करते. हम ये मानते हैं अगर वर्ड ऑफ माउथ से आप अगर अच्छा काम करें तो ऑटोमेटिकली लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे आप सब हमें आज सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से हमारा पूरा कारवा बढ़ता जाता है. संदीप सुपारकर है, आई एम ए कोरियोग्राफर, आई एम ए डांसर, और मैं आज यहाँ पर हूँ बिकॉज यूनो मॉम एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हर तरह की मॉम्स हैं. एंड यहाँ पे आकर के इन सबसे मिल करके बहुत खुशी होती है, बिकॉज हर किसी के पास एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं. एंड आई डोंट थिंक दे आर गर्ल नेक्स्ट डोर, आई थिंक दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे. रंगोली इज अ फैंटास्टिक मिक्स ऑफ जस्ट द वे लाइफ इज अबाउट रंगोली. डिफरेंट कलर्स दैट कम टुगेदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन दैट कम टुगेदर, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट
education background, they all come together. And that's what makes Rangoli. And that's what today evening is special, because here all types of women have come together and making beautiful decorations together as life brings it all. And that's what makes them so special, and that's what makes Rangoli very beautiful. This is my second time at Unimom event, and I think it's one of the most beautiful platforms of bringing women all together with one motto, and that is to take care and be proud of being a mom. And I think that's what makes this evening so special. That's what makes me feel so special. Today what I am because of my mom, and I respect all the moms and what they've been doing and what they always do for their children. And that's what makes Unimom so special. I'm an author, a columnist, and a feminist, which is why I get involved with a lot of things that work towards, I think, helping women achieve something which they have been undermining in within themselves. And for that reason, I'm a huge supporter of Unimo, because it helps women tap into their inner potential. And it's a wonderful community of like-minded people, all sorts of professions, even housewives. And it's really nice the way you all support each other and lift each other up. I've worked very closely with Neha. We started as people who had met after my first book came out, and she did an event for me, but I admire her a lot. She's extremely enterprising. Unimo is her baby, and we worked together on We the Women as well, 2 years in a row. So I think that more power to this wonderful community that is doing so much for women across all large cities of India, and I believe now they have a chapter in the UK as well. Congratulations on the launch of Unimo Privé. It's a wonderful idea again, and I'm sure it will do very well, like everything else that Neha Touches does. Sardana, and I'm 14 years old. I just have a small goal in life where I want to help the underprivileged and the backward communities who do not have enough exposure. Rangoli is... So she's our winner. Yeah. So how do you feel about it? I feel really nice. I've represented my school in various cultural activities and sports, which is why I got the award. And it's a very nice opportunity, and I'm thankful for having it. Hi, I'm Maryam Ansari. I am an AVP of Unimo, Universe of Moms, and I just won this award of Rising Star. Rangoli is very special to me. I started my journey with Mumo 2 years ago, and today I'm the Rising Star. Hard work pays off. So I was a great volunteer, and this is what I got. And I love Neha and everybody. We are a team together, and we work very hard for this and for everything else. Thank you so much. My name is Gemini Dhar. I'm a Take Charge expert and author. And I'm really, really happy to be with the Rising Star Award with Unimo and Momo. More than that, I'm a very, very happy mom. So my job is to empower women. But the kind of recognition, appreciation, and support I have got from Neha and this group Mumo has been awesome. So I was the winner of Rangoli last year, the girl next door, and this year I nominated myself for the Rising Star, and they have chosen me. So it's a pleasure, it's a joy, and it always gives you more motivation and more strength to do something good for the world if you get recognized and you get loved by fellow mothers. So Mumo, I love you. Neha, thank you so much. Hi, my name is Rushali. I'm an actor, and I've done a few shows on television, done a few films, and I'm very, very happy to be here. I think it's a brilliant platform for women, because women can do so much in life. They have so much of power, they have so much of strength, they have so much of perseverance that they can conquer anything and everything. So I think Rangoli is a very good platform for women, because there are women from all walks of life who come here and who have been doing something or the other and making all of us proud. इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ और अभी मेरा राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है
और ये बिजनेस स्टार्ट हुए मुझे अभी मई महीने में एक साल कंप्लीट होगा। रंगोली में मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि जो राइजिंग स्टार है हमारे जैसे, जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे पब्लिक के बीच में हम लोगों को ये एक मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला अवार्ड है और ये मुझे बहुत बहुत एक ड्रीम है जो आज मेरा कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू फॉर द रंगोली। सो माय नेम इज़ दक्ष एंड आई एम फ्रॉम द तमिल इंडस्ट्री। सो आई हैव बीन अ मॉडल सिंस 2007 एंड क्वाइट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड एक्टिंग इन टीवी सीरियल्स एंड ऑल्सो अ मूवी प्रोजेक्ट दैट्स कमिंग अप माय वे। एंड माय विजिट टू बॉम्बे and it's amazing to have been a part of the show here, the Unimo program. What we're trying to achieve here is amazing because like the introduction they had mentioned inside, right? So every rangoli is unique, every color, every pattern is unique, and we as individuals are unique. And when you look at mothers, right, they are like what I had mentioned also, they are like the angels for us that are immediately available, right? So they are the people. We have angels guidance all around us, and I think as mothers they are the angels who are always with us, showering us with unconditional love. So I'm absolutely flabbergasted to be a part of this particular program. Hi, I'm Anju Kish, sex educator and founder of Untaboo, a company completely dedicated to sex and safety education. Untaboo is the only company in the world which presents sex education using 6 different formats. I want you all to join us in Untabooing sex education from this country. And what do I say about this beautiful, beautiful platform today, Rangoli? I think, they say that behind every successful man is a woman. But I think behind every successful woman is a very, very strong tribe of women who are pushing them, motivating them to move forward. And Unimo does just that. What a beautiful initiative by Unimo to celebrate this girl next door who has an extraordinary story and naming it Rangoli. I mean, if you think about it, Rangoli is such an ordinary term, an everyday term. But Unimo and Neha Kare have turned this very ordinary term into something so extraordinary by celebrating the women behind, their successes. So congratulations, Neha. Congratulations, Team Unimo. And congratulations to Neha for launching this new pre-way version of another community. Congratulations on that. Thank you. Good evening, Unimo. I'm Dr. Manjusha, daughter of the soil, and working on a mission mode project of Kasturi, a Tata Chemicals in Society for Rural Development's initiative. We work for women in agriculture. We work on different categories. We facilitate them with training, with market connect and n number of activities. I would like here to mention few achievements last year what we have made. So first thing is, the village woman is really in need of a hand from Unimo, a community like Unimo. They should come up ahead and they should stand by those ladies who are actually in need of n number of activities. This is the wonderful atmosphere, the great ambience. I can feel the energy, I can sense the rocking performances inside. And I do really want Unimo to come up with me and to stand by my Kasturi for all women in agriculture. Celebration of Sanskriti. I can find n number of moms inside who had traveled their own journey of womanhood, and the achievements in their life they are celebrating those achievements inside. That's why I think Rangoli is a unique concept here. I am my own Rangoli, and I really want to become Rangoli for all those village women who are waiting for all Unimo. Hello everybody, I'm very happy to be here today and address to all you wonderful mummies. So I'm Dr. Zina Dhunadkar Shah. I'm a pediatrician and a lactation consultant and one of the first of its kind in Mumbai. And I'm very happy to say that I have helped more than 10,000 mothers in their journey of breastfeeding. And I want all of you to exclusively breastfeed your baby for at least 6 months. And the ones who have already done, please go and help other mummies to do that. And if they can't, come to me. It's all about giving the best start to your babies.
रंगोली का मतलब क्या होता है? कलर्स, आई थिंक आई एम श्योर हम सबको कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, राइट? और हमारे ज़िंदगी के भी अलग अलग रंग है, तो एक ज़िंदगी का रंग है खुशी जो हम आज मना रहे हैं, और दूसरा ज़िंदगी का रंग है साथ रहना. सो वी ऑल मदर्स यहाँ पे, हम सब साथ रहे और साथ में रंगोली मनाएं. Anita Soni, I'm a doctor, I'm a gynecologist by profession, and I am a full-time consultant at Dr. L. H. Hiranandani Hospital. It's the first of its kind that started water births way back 15 years ago, and after that we've developed our own high-risk pregnancy unit, of which we have a lot of patients coming from all over the country for opinion as far as pregnancies and losses are concerned. Well, Rangoli represents colors, and women are all about colors. And fortunately or unfortunately, I deal with only women and nobody else. So women do definitely require a say, and they require a helping hand to get them tied over their problems. Hence, Rangoli gives us a good platform allowing women to be able to cope with their problems. Unimo is something that's unique. It has been started by Neha, and you're rolling through your fourth session, and I think it's brilliant to offer a platform to women to expose their talent, to be able to come out and speak in the open, and you are also crediting them or honoring them for their hard work. Much Neha. I'm Zenobia Kodaiji. I'm a trainer, a soft skills trainer, a TEDx speaker, and I transform the lives of multinationals and celebrities worldwide. Good to have you back. Thank you. Why you have chosen to be part of Rangoli? Yes, because I haven't seen a mom's community bigger than Neha's Momos. So fabulous to get so many mothers together. She's one person who takes everybody with her, and that's the beauty of, she doesn't run anyone down and say I'm on top, and that's so beautiful, so beautiful. Wonderful platform. All mothers of the world should join in, and Facebook has given Neha this opportunity to be part of the Facebook world, and it's so lovely. But even a simple mother who's making cookies in the house or having a beauty parlor, she gets a platform for many people to come and connect with her, and that is so, so beautiful to take not only the rich and famous moms but all the moms together. So, Neha ko congratulate karna chahungi. Mujhe Neha se bahut pyar hai kyunki wo jo kaam kar rahi hai sari mahilaon ke liye, maon ke liye, wo bahut hi acha kaam kar rahi hai. She is doing such glorious work. She is making these women part of successful lives. She is making these women part and proud of themselves, and that I think is something jo sabko karna chahiye. Aur Neha jo kar rahi hai aur itne bade platform pe kar rahi hai, uske liye main usko congratulations kehna chahungi. Acha nahi lagta hai, sabko lagta hai elite club acha lagega, aur achhi baat hai ki Unimo abhi ek elite club shuru kar rahe hain jahan pe kafi sare log aayenge aur ideas share karenge aur networking ho payega, to iske liye main unko congratulations kehna chahungi. Hello, good evening. I'm Rinalini Kher, founder of Yuva Parivartan, a NGO working with school dropout, less educated youth in skill development. It's a passion that I want to reach out, our organization wants to reach out to young boys and girls who are aimless and without a clue about their future. And this is a very satisfying vision and mission that we have, and up to now we have reached about 900,000 youth. Unimo is the first time I have heard about this kind of organizational work. Nobody thinks of the talent that is latent in housewives, and I thought this is one of the most unique platforms to bring out women from their homes and give them the encouragement that they can contribute to the society. Hi everybody, I'm very happy to be a part of Unimo. I think it's the biggest network of mothers in India. और इतना अच्छा काम कर रही है सब औरतें. It just goes to show कि एक औरत बहुत सारी चीज़ें निभा सकती है अपने जीवन में, और आज उसी का सेलिब्रेशन है. हर एक औरत के पीछे एक बहुत अच्छी कहानी होती है, एक स्ट्रेंथ की कहानी होती है, और उसी कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए आज यूनिमो ने इतना अच्छा इवेंट किया है. एंड आई एम सो हैप्पी एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, एंड लॉट्स मोर सक्सेस टू दिस लवली ग्रुप बाय नेहा करे. Hi
Hi guys, we have a jewelry boutique by the name Jhumar Jewels, where we unfold your precious story. Whatever story you have it in mind, we unfold it for you. So we manufacture and retail diamond and polki collection, and each piece is one of a kind. So do come to unfold your precious story. So I recently got associated with Universe of Moms. It's a fantastic group, and they give so many opportunities to these mothers, and it is a lovely experience to be a part of this whole event. Hello to all the lovely people. My name is Simran Ahuja. I'm truly honored to be here as a chief guest invited by the founder of Unimo, Ms. Neha Kare. Truly an honor being here, Neha, and I'm absolutely amazed by the kind of response that you're getting from the universe of moms from across the country. In fact, I've even seen a few international moms who are here to attend Rangoli 2019. It's all about a woman's colors, and I think a woman has all the colors in herself. It's just that some are used, some are unused, some are worn, some are absolutely not touched. Unimo, all it does is touches, makes you touch with those colors which have been untouched and makes you glow like a flower. So I'm super delighted seeing all the wondrous, beautiful faces here. Thank you very much, Ms. Neha, for inviting me here once again. And I'm truly honored to be here, to be doing the felicitations for all these awardees who've really put in tremendous effort and made their dreams come true. So congratulations to everyone here at Rangoli 2019. Bye. Hi, this is Komal Joshi. I'm founder Inmo Indore Moms and co-founder Unimo Universe of Moms. Why we are celebrating Rangoli here, the reason behind it, see, women has a power to nurture, to transform. And that was the thought behind it. That was the thought behind organizing this Rangoli Awards. Because what we feel, her ek women apne aap mein ek rangoli hai. She has so many colors in her life. Ek ladki janm leti hai, to wo ek daughter hoti hai. उसके बाद वो एक वाइफ बनती है, उसके बाद वो एक माँ बनती है, तो वो काफ़ी सारे रंग देखती है अपनी ज़िंदगी के। लेकिन लेडीज़ के साथ क्या होता है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती बिकॉज ऑफ ऑल दीज लाइबिलिटीज़ ऑन हर सेल्फ। सो वॉट वी आर ट्राइंग टू गिव इज़ वी आर ट्राइंग टू गिव देम विंग्स थ्रू यूनिमो। हम उन मदर्स को रिकोगनाइज कर रहे हैं, उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, सो देट वो अपनी शेल से बाहर निकले और अपने लिए कुछ कर। Hi everybody, this is Gurpreet Gura, celebrity makeup artist. It's an honor to be a part of the Rangoli event by Neha Kare. She's a very dear friend of mine, and I'm really excited because I happen to be the winner today as a woman of the Women's Substance today. And it's an honor to meet so many people, see so many women from different walks of life, and it's so beautiful because you meet people from all ages. Even after they're married, they're working, and they get a chance to, you know, do something that they really desire and follow their passion. Namaste, hello, Sat Sri Akal. My name is Archana Pania. I'm a radio jockey at Radio City, and it's an honor कि मुझे एक ऐसे संगठन में बुलाया गया है जहाँ पे शायद मैं फिट भी नहीं होती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं अभी तक। बट मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग इंडिया में सिनेमा के बहुत क्रेज़ी होते हैं ना, तो हम सब हिंदुस्तानी नारियों में एक माँ छुपी हुई होती है। सो इवन दो आई एम नॉट अ मदर येट, आई फील अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर कॉन्ग्रीगेशन। और मुझे सबसे प्यारी बात यूनिमो की ये लगती है कि जब एक माँ माँ बन जाती है तो उसके बाद अपने लिए वो टाइम ही नहीं निकालती है, एंड शी हैज़ नो केयर्स अबाउट वो कैसी दिख रही है, वो क्या कर रही है, और कभी कभी डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यूनिमो जैसी संस्थाएँ और बने, एंड आई एम सो प्राउड बिकॉज नेहा ने फेसबुक, जो कि हम सबको लगता है हमारा टाइम पास, हमारा घर है आफ्टर आर हाउस, वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है। इट्स द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ मॉम्स। ऑब्वियसली मैं उनको सपोर्ट करूँगी और उनके सेंडेवर में हिस्सा लूँगी। सबसे प्यारी बात मुझे आज लगी कि यू नो डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, और मर्दों को यहाँ पे बैक सीट नहीं दी गई। उनको अगर कुछ कहना था, किसी चीज़ से अगर उनको आपत्ति थी, तो उनको भी माइक दिया गया। वेरी गुड नेहा, यू अलाउ एवरीवन टू हैव एन इक्वल वॉइस। आई लव द फैशन शो। आई थिंक इट इज अ ह्यूज थिंग फॉर अ वुमन। वी ऑल लव टू लुक ब्यूटिफुल एंड सेलिब्रेट हु वी आर। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट यूनिमो इज अ रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ रिक्वायरमेंट। सो कंग्रेचुलेशंस टीम यूनिमो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। I truly believe you all are empowered in the truest sense. Thank you. Hi, I'm Archana Kocher. Today, here I am at the Rangoli event, and I'm very happy to be a part of the Rangoli event because Neha Kare is a friend, and she invited me here to be a chief guest with so much love. So I'm very happy to be here.
I'm a mom myself, and I completely believe in moms becoming great entrepreneurs, and I'm very happy to support them in their journey in whatever way I can. देखिए, मैं तो एक सन्यासी हूँ, सोशल वर्क करता हूँ, योग सिखाता हूँ देश में, और लोगों को जीने की कला भी सिखाता हूँ। अभी हमने यहाँ पर देखा ये रंगोली के अंदर जो इन बहनों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्य किया, बहुत ही अच्छा कार्य किया, और बच्चों का कैसे पालन पोषण करें। मैंने यहाँ पर कहा माता निर्माता भवती, माता बच्चों का निर्माण करती है जिससे राष्ट्र को एक अच्छे नागरिक मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है जो नेहा करकरे बहन ने जिसने इसको शुरू किया, तो समझता हूँ बहुत ही एक अच्छा कदम है उनका, और हम चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर ऐसी संस्थाएं बने जिससे पूरा देश अच्छी तरह पढ़े और उसमें अच्छे बच्चे हों, संस्कारवान बच्चे हों, जिससे एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो। So let's give it up for all of them, ladies and gentlemen. Do you want to take a bow, everyone? Everyone in the room, they put a tremendous effort. Let's hear a loud round of applause.